हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम की सब्जी। आज मेरे पास कोई भी सब्जी नहीं थी तो मुझे याद आया मेरी सासू माँ के द्वारा बताई गई ये आम वाली सब्जी। उन्हें ये सब्जी बहुत पसंद थी, खट्टी मीठी चटपटी सी। और जब उन्होंने मेरे से ये बनवाई तब से मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी और मुझे भी एक नई रेसिपी आ गई है और जब से ये मेरी भी फेवरेट हो गई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखिए। एक नए टेस्ट के साथ ये सब्जी आप भी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। भाई मेरी तो फेवरेट हो गई है, अब आप बताइए बनाकर कि आपको ये कैसी लग रही है। हमेशा आम को हमने फल के रूप में खाया, आज सब्जी के रूप में खाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिए छोटे वाले आम और इनको इस तरीके से मैं लूज कर लेती हूँ। देख लेंगे, बाहर से एकदम साफ सुथरा अच्छा आम होना चाहिए और इसका ये ऊपर का जो टॉप है इसको हटा देंगे और निकाल लेते हैं इसका इस तरीके से अंदर से पल्प। आसानी से निकल जाएगा, जब ये ढीला हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। हल्का सा इसको इस तरीके से कर लेंगे और देख लेंगे अंदर से भी जो आम है एकदम बढ़िया है कि नहीं। ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया है एकदम, और इसका अच्छे अच्छे से पल्प निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा आम भी तैयार कर लेती हूँ। इस छिलके में से कुछ गूदा रह जाएगा तो वो भी निकाल लेंगे और चाहे तो इसको दूसरे काम में भी ले सकते हैं। तैयार कर लिए मैंने दोनों आम, गुठलियाँ निकाल के, और गैस पे मैंने तेल गरम होने रख दिया है। तेल घी किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, मैं इसको तेल में बना रही हूँ और थोड़ा सा जीरा हम इसमें डाल देते हैं। जीरा जब तड़कने लगे हम इसमें डाल देंगे ये मैंगो की चीरी और मैंगो की गुठली। अच्छे से इसे हिला लेंगे, गैस को इस समय सिम कर देंगे। फटाफट से इसमें सारे मसाले डाल देंगे, बहुत ही जल्दी से ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। डाल देते हैं हल्दी, लाल मिर्ची मैंने डाल दी है, और डाल देते हैं धनिया पाउडर भी, और डाल देंगे नमक भी स्वाद अनुसार। वापस से मिक्स कर लेते हैं। ये जो प्लेट है इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जितनी आपको ग्रेवी इसकी पसंद हो, जितना झोल पसंद हो उतना आप कर लीजिए, गाढ़ी पतली जैसी मर्जी हो वैसे कर लीजिए आप इसको। मैं इसको इस तरीके का रखूंगी। एक दो मिनट पका लेते हैं, खुला ही पका लेंगे इसको। जी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है, अच्छा सा कलर भी आ गया है इसमें। ऊपर से हल्का सा मैं पुदीना की पत्ती डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद हो तो डालिए नहीं तो मत डालिए। सर्व कर लेते हैं गरम गरम। मेरी सासू माँ के द्वारा बताई गई ये आम वाली सब्जी, उन्हें ये सब्जी बहुत पसंद थी, खट्टी मीठी चटपटी सी। और जब उन्होंने मेरे से ये बनवाई तब से मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी। कर दिया मैंने इसको पुदीने की पत्ती से भी। आम में अगर खट्टापन हो तो इसे पकाते समय आप थोड़ी सी लगभग एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव, आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखना चाहें जरूर देखें, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।